हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है बेट। ये मूवी 2012 में आई थी जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 और इसके डायरेक्टर हैं किम्बल रैंडल। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ऑस्ट्रेलिया का बीच दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक लाइफगार्ड जिसका नाम जॉर्ज था वो अपनी कार में सो रहा था। तभी उसका फ्रेंड जिसका नाम रोरी था वहाँ पर आता है और उसे जगाता है। वो कहता है कि सगाई में तुमने मेरी सिस्टर टीना को प्रपोज़ नहीं किया था और अब वो तुम्हारा वेट कर रही है बीच पर। जॉर्ज टीना से मिलने के लिए जाता है और टीना और जॉर्ज आपस में बातें करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी हम देखते हैं कि रोरी जॉर्ज की जगह बीच को चेक करने के लिए निकल जाता है जहाँ पर एक वाइट कलर की शार्क उसका पीछा कर रही होती है। समुद्र में एक और आदमी नहा रहा होता है जिस पर शार्क हमला कर देती है और उसे खा जाती है। हम देखते हैं कि एक लाइफगार्ड दूरबीन की मदद से ये सब कुछ होता हुआ देख लेता है और वो सबको पानी से बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन रूरी बहुत ही ज़्यादा दूर निकल चुका था समुद्र में, इसलिए जॉर्ज अपनी जेस्की लेकर रूरी को बचाने के लिए निकलता है। लेकिन शार्क बोट पर भी अटैक कर देती है रूरी की और जॉर्ज रोरी का हाथ पकड़ चुका था, उसे बस ऊपर खींचने ही वाला था, लेकिन तभी शार्क रोरी पर अटैक कर देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसे देखकर जॉर्ज काफ़ी अपसेट हो जाता है। अब हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि जॉर्ज अब अकेला ही रहता था। टीना भी सिंगापुर वापस लौट चुकी थी और रोरी की मौत के लिए जॉर्ज आज भी खुद को ही दोषी मानता था और सोचता रहता था इस बारे में और सोच सोच कर अपसेट होता था। तभी वो एक न्यूज़ देखता है कि शार्क का बहुत बड़ा झुंड बीच की तरफ आ रहा है और सबको सतर्क किया जाता है। अब जॉर्ज ने लाइफ गार्ड की नौकरी छोड़ दी थी, अब वो सुपर मार्केट में काम करने लगा था। जैसे ही वो सुपर मार्केट की तरफ जा रहा होता है तो वो मौसम काफ़ी वियर्ड लगता है उसको और अपने घर के पास के डॉग को वो परेशान भी देखता है। जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है तो समुद्र की तरफ से बहुत सारे पंछी उस तरफ आ रहे होते हैं। ये सीन देखकर जॉर्ज को लगता है कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे ही वो सुपरमार्केट में पहुंचता है हमें एक जेनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुपरमार्केट में चोरी कर रही होती है और ऐसा करते हुए उसे एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और वो बचकर भागने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड रायन के पास चली जाती है जो कि इसी सुपरमार्केट में काम करता था। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और जेमी और रेयन को साथ में देखकर रेयन को जॉब से फायर कर देता है और एक पुलिस को भी बुलाता है ताकि वो जेनी को गिरफ्तार कर सके। जॉर्ज स्टोर में काम कर ही रहा होता है कि वो देखता है कि टीना अपने नए बॉयफ्रेंड जिसका नाम स्टीवन था उसके साथ उस स्टोर में थी। उसे देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और वॉशरूम चला जाता है क्योंकि वो आज भी टीना से प्यार करता था। हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर जेमी के लिए आया था वो खुद जेमी का फादर था जिसका नाम था टॉड, इसलिए वो जेमी को बचा लेता है। दरअसल टॉड अपनी जॉब की वजह से बिल्कुल भी जेमी को या उसकी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए जेमी को लगता था कि वो उससे प्यार नहीं करता है। टॉड जेमी को अपनी कार में बिठाता है और देखता है कि एक आदमी बंदूक लेकर स्टोर की तरफ जा रहा था जिसका नाम था डायल, वो उसका पीछा करने लगता है। अब डायल मैनेजर के ऑफिस में जाता है और मैनेजर पर गन पॉइंट करता है और उससे सारे पैसे मांगने लगता है। मैनेजर अपनी तिजोरी दिखाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं है। तभी डायल उसे मारने की धमकी देता है, इसलिए मैनेजर अब उसे दूसरी जगह ले जाने लगता है, लेकिन तभी टॉड वहाँ पर आ जाता है और डायल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन डायल का एक और साथी जूली पर गन पॉइंट करता है जो कि असिस्टेंट थी
मैनेजर की, और वो कहता है कि गन ड्रॉप कर दो टॉड के लिए। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉयन जाता है जेमी से मिलने के लिए पार्किंग में, और वो उसे कार से बाहर निकालता है। लेकिन रॉयन जेनी पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसे जॉब से निकाला गया है, जिस पर जेमी नाराज़ होकर स्टोर के अंदर चली जाती है और रॉयन अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक कायल नाम का लड़का हैदर से मिलने आया था ताकि वो उससे इंटीमेट हो सके। वो लोग भी पार्किंग लॉट में थे। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टोर के अंदर गोली चलती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जॉर्ज वॉशरूम से बाहर आता है। दरअसल डायल के पार्टनर ने जूली को शूट कर दिया था, जिस पर डायल बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है क्योंकि उसका इरादा किसी को भी नुकसान पहुँचाने का नहीं था। अब हम देखते हैं कि डायल के पार्टनर ने टीना को गन पॉइंट पर ले लिया था, जिसे देखकर जॉर्ज काफ़ी टेंशन में आ जाता है और बहुत डर जाता है। अचानक से पूरा स्टोर हिलने लगता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि बाहर बहुत बड़ी सुनामी आ चुकी थी और सभी बिल्डिंग्स में और स्टोर में पूरी तरह से पानी भरने लगता है। चारों तरफ तबाही मच जाती है और इस हादसे में बहुत से लोग मारे भी जाते हैं, एक्सेप्ट जॉर्ज, डायल, टॉड, स्टीवन। अभी हमें सिर्फ यही लोग सेफ दिखते हैं, तभी जॉर्ज सभी को सेल्विंग यूनिट के ऊपर ले आता है और जॉर्ज देखता है कि टॉड का पैर बहुत बुरी तरह से घायल है। तभी हम देखते हैं कि जेमी भी पानी से बाहर आ जाती है और टॉड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे रेयन की याद आती है और उसे बचाने के लिए वो जाने लगती है, जिसके लिए डायल उसे मना करता है। तभी मैनेजर, टॉड का असिस्टेंट बॉब और टीना भी पानी से निकलकर आते हैं और टीना को जॉर्ज ऊपर खींच लेता है। टीना पानी में कुछ देखती है, वो देखती है कि कोई चीज़ डेड बॉडी को खा रही है। अब मायोमी भी वहाँ पर आ जाती है और डायल उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन डायल का पार्टनर मारा जा चुका था। पार्किंग एरिया में हम देखते हैं कि कायल और हैदर अभी भी कार में फंसे हुए थे और वो हेल्प की उम्मीद में थे, और दूसरी तरफ रेयन को होश आता है और वो अपने कार की विंडो से बाहर निकलता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पैर को किसी चीज़ ने पकड़ा, लेकिन जब वो चेक करता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिससे वो थोड़ा अपसेट भी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉर्ज टॉड के पैर से टुकड़ा निकालता है जो उसके पैर में फंसा हुआ था, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसके पैर में एक कपड़ा बांध देता है। सभी लोग वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन टॉड स्विम नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पैर में घाव था। स्टीवन, टीना और बॉब हेल्प ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर टीना और स्टीवन मेन डोर की तरफ जाते हैं और बॉब बियर हाउस की तरफ जाता है। नायोमी पानी में कुछ तैरता हुआ नोटिस करती है। जॉर्ज सभी को ऊपर आने के लिए बोलता है। टीना और स्टीवन मेन डोर तक पहुंच चुके थे और वो देखते हैं कि मेन डोर पूरी तरह से ब्लॉक है और वो लोग वहां से नहीं निकल सकते। सभी लोग ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। तभी बॉब पर वाइट शार्क हमला कर देती है। टॉड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और बॉब मारा जाता है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब उन सबको पता चल चुका था इस पानी में वाइट शार्क है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि वो लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब हमें पार्किंग लॉट का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहां पर रेयन पानी में था और उसे कई सारी डेड बॉडीज़ दिखाई जाती हैं। उन डेड बॉडीज़ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ ने उन्हें बुरी तरह से खाया हो। कायल अब अपनी गाड़ी के अपर पार्ट को खोलकर वहां से निकलता है। तभी हैदर पानी में शार्क को देख लेती है और उनकी कार पर शार्क अटैक करने लगती है। अब हम देखते हैं कि स्टोर के अंदर एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर लटक जाती है, जिसमें करंट आ रहा था, यानी कि उनकी प्रॉब्लम अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जॉर्ज कहता है कि इसकी मेन सप्लाई हमें बेयर हाउस से जाकर बंद करनी होगी, और वो वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन टीना उसे रोकती है। वो कहती है कि तुम्हारा खून बह रहा है, जिसकी वजह से शार्क तुम पर हमला कर सकती है। तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है और वो शॉपिंग कार्ट का आर्मर पहनकर जाने लगता है, ताकि शार्क उस पर अटैक ना कर पाए।
स्टीवन जॉर्ज से अकेले में बताता है कि टीना उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो आज भी तुम्ही से प्यार करती है और रोरी की मौत के लिए तुम्हें बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं समझती। टीना स्टीवन को जाता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और ऑक्सीजन ट्यूब लगाकर स्टीवन बेयर हाउस की तरफ जा रहा होता है। वो बस मेन सप्लाई के पास पहुँच ही चुका होता है, लेकिन ट्यूब इतना लंबा नहीं था कि वो उसे लेकर मेन सप्लाई तक पहुँच पाए, इसलिए जॉर्ज भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी स्टीवन डिसाइड करता है अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए और वो ट्यूब निकाल कर स्विच को बंद कर देता है, लेकिन उसके पैर में इतना ज़्यादा वेट बंधा हुआ था कि वो चाह कर भी बाहर नहीं आ सकता था और उसका दम घुटने की वजह से वो वहीं पर मर जाता है, जिसकी वजह से टीना रोने लगती है। डायल अब डिसाइड कर लेता है कि वो चोरी जैसा काम अब दोबारा कभी नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेयन कायल और हैदर की हेल्प करता है और एक मरे हुए आदमी का हाथ काट देता है और शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और इन्हीं सब के बीच कायल और हैदर अपनी कार में से निकलकर किसी दूसरी कार में जाकर बैठ जाते हैं। जॉर्ज ऊपर देखता है तो वहाँ एक वेंटिलेटर बॉक्स था। उसे आइडिया आता है कि वो लोग सेफली वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तभी डायल इन सब में जॉर्ज की हेल्प करता है और दूसरी तरफ मैनेजर बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, इसलिए वो कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, जिसके लिए सभी मान जाते हैं। और जैसे ही मैनेजर वहाँ से बाहर निकलने लगता है, उस वेंटिलेटर बॉक्स से बहुत सारे केकड़े बाहर आते हैं, जिनकी वजह से मैनेजर डर जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। और उसकी आवाज़ से शार्क वहाँ पर आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। उसकी बॉडी पूरी तरह से आधी हो जाती है और इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम पार्किंग एरिया में देखते हैं कि हैदर नाराज़ थी कायल से, क्योंकि कायल उसके डॉग को कार से नहीं लाया था, वो डॉग अभी भी कार में ही बंद था। और रेयन कायल की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो पाइप के थ्रू वहाँ जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि शार्क उस पर अटैक करती, कायल उसे हाथ देकर बाहर खींच लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए कायल खुद उस पानी में गिर जाता है और हेल्प करने लगता है रायन और हैदर, लेकिन वो उसे बाहर खींच पाते इससे पहले ही शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। यहाँ पर कायल मारा जाता है। दूसरी तरफ हमें स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि डायल को एक आइडिया आता है कि वो हुक की मदद से शार्क को फंसा कर यहाँ से बाहर भेज देंगे, लेकिन इनके लिए उन्हें मीट हुक की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए जैमी बूचर सेक्शन में जाती है और मीट हुक ले आती है और उसे रस्सी में फंसा देती है। डायल जैमी को खींच लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टीना जॉर्ज के पास जाती है और उससे कहती है कि जो भी पहले हुआ उसे तुम भुला दो, क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन जॉर्ज कहता है कि उस दिन मेरी बारी थी बीच की चेकिंग करने के लिए, जिसके लिए रोरी चला गया और वो मारा गया। इसमें टीना कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब हम देखते हैं कि डायल मीट को हुक में फंसा कर पानी में फेंकता है, लेकिन शार्क उसको नहीं खाती। तभी करवी कहने लगता है कि उसको ताज़ा मीट चाहिए, जिसके लिए उसे एक आइडिया आता है और वो नायोमी पर गन पॉइंट करके उसे चारा बनाने के बारे में सोचता है। डायल उसे ऐसा करने से मना करता है, वो कहता है कि तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मानता और नायोमी पर हुक फंसाकर उसे पानी में गिरा देता है। शार्क नायोमी की तरफ आने लगती है, लेकिन डायल अपने भाले से करवी को जख्मी कर देता है और नायोमी को ऊपर खींच लेता है। अब वो गुस्से में करवी पर ही हुक फंसाकर उसे पानी में गिरा देता है और हम देखते हैं कि शार्क उसे बहुत बुरी तरह से खा जाती है, लेकिन शार्क के मुँह में हुक फंस चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें एक यहाँ से उम्मीद लगती है कि वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तभी हैदर कहती है रेयन से कि यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, जिस पर रेयन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनकी तरह ही लोग फंसे हुए होंगे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे। हैदर की डॉग बुली भी अब उनके पास आ जाती है, जिसे देखकर हैदर काफ़ी खुश होती है। अब हैदर हेल्प मांगने के लिए पाइप को बजाने लगता है, जिसको जैमी समझ जाती है कि ये रेयन है। अब वो उसे बचाने के लिए पार्किंग एरिया में जाने लगती है, लेकिन टॉड जॉर्ज को उसके पीछे उसकी हेल्प करने के लिए भेज देता है। दोनों कार पार्किंग में पहुंचते हैं, तभी वहां पर शार्क उनका पीछा करने लगती है। वो दोनों टॉड की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी
जेमी जॉर्ज को बताती है कि इस कार के अंदर शॉटगन रखी हुई है। जॉर्ज किसी तरह से उस शॉटगन को निकाल लेता है। वो शार्क को मारने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और जैसे ही शार्क उस पर अटैक करने वाली होती है, वो उसके नीचे जाकर उसे शॉट कर देता है और उसी टाइम शार्क की मौत हो जाती है। स्टोर के अंदर अभी भी सब लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे और हम देखते हैं कि स्टोर की एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी एक ट्रक की वजह से। तभी डायल कहता है कि इस ट्रक को ब्लास्ट करना पड़ेगा यहाँ से बाहर जाने के लिए, और दूसरी तरफ जॉर्ज, जेमी, रैन और हैदर भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब शार्क बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने आप को फ्री कर लेती है। तभी जॉर्ज सभी को पानी से बाहर आने के लिए बोलता है क्योंकि डायल ट्रक की बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी देने वाला था। जॉर्ज शार्क को देखकर उसे शूट करने जाता है, लेकिन अब गन में एक भी बुलेट नहीं बची थी, इसलिए वो टेज़र की मदद से उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट शॉक लगता है और शार्क उसी वक्त मर जाती है। दूसरी तरफ डायल भी ट्रक को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से एंट्रेंस ओपन हो जाती है और सभी लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है सुनामी की वजह से। तभी टीना जॉर्ज से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तब जॉर्ज कहता है कि हम अपनी न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करेंगे। लास्ट सीन में हमें एक बर्ड को दिखाया जाता है कि जो कि समुद्र के करीब से गुजर रही थी और उस पर शार्क अटैक करके उसे खा जाती है, और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आप सबको ये मूवी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।